दोस्तों तुसे ईद किस तरह गुजरी अपने बारे कोई दसो मोई तू पहले बता दी ईद किस तरह गुजरी तू कुछ पढ़ी सुबह में उठते हैं गुस्से शुतल कीता हां सुबह में गुस्से शुतल कीरी करी ते फिर मैं ईद पढ़ने से निकल गया ते ओ बारिश तेज हुई मैं फिर गया ईद पढ़ने ते गया बहुत लेट हो गया से फिर मैं फिर ईद पढ़ने से ईद नी नमाज फर्ज थी ते फिर मैं बाजार ही आया ते उठा कुछ दोस्त थे ना मिले शिले कुछ खाता पीता ते फिर मैं आया कार मैं फिर खाला ने कार गया नानी ने कार गया ना सारे ने कार फिर थोड़ी मैं उठो मोड़ी ते चाचा ने कार कुर्बान थी मैं उठा गेट असा गए मस्जिद नमाज पढ़ी फिर आया छोड़े उठा दोस्त थे असा गए टोपियां पर उठा टिक्के शिक्के खादे फिर असा फोटो शोटो छपाई दे कार आए नमाज पढ़ने ते गया लेट हो पर इतनी नमाज अदा करी गया फिर मैं बाजारे गया रह लिया समोसे पकौड़े किंदे फिर घर आया फिर मतलब रिश्तेदार अपने ने गए फिर माड़ा एक दोस्त हारस मकड़ा लिया उसने घर गया रहा मैं उसने कुर्बानी उसने घर से बुलाया उस मैं गया माड़ा जान पहचान वाला बंदा से उसमें गोश्त मोटा सारा पाई दिता फिर मैं आई ठिया कार बस तू कराई पड़ी रहा मैं एरा सुबह उठे ईद की तैयारी की थी मैं गया सोड़ा मस्जिद ईद की नमाज पढ़ी था मैं गया चवाले एली एक एक एली के मुंडा रे ना उसने कार कुर्बानी सीता उस मुल्ला थर जो गोश्त सीता है रा हां फिर मैं कार रे थे मैं अपने रिश्तेदार अस्सलामुअलैकुम दोस्तों असन इस वीडियो का मकसद अवाम दी रे कैसा मैसेज पहुंचाना चाहने से वो मैसेज ये है कि जड़ा असन कुर्बानी ना गोश्त फ्रिजे लाई छड़ने लिहाजा असं फ्रिजे ना ला लोड शेडिंग की वजह थी खराब भी हो सकता गोश्त गरीबा मस्किन ही दें तो स्वाब हासिल करा अल्लाह ताला असानी कुर्बानी अपनी वारवाए कबूल मंजूर फरमाए एक और बात मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक असन ने यूट्यूब और फेसबुक ने पेज ही फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सपोर्ट भी करें लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।